नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जून, दिन शुक्रवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका। जल्द गर्मी से मिल सकती है राहत। इस दिन से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाए गए के पाठक। आधार कार्ड अपडेट करवाने की बढ़ी अंतिम तारीख। इस समय में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर हो सकता है फायदा। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SCO के पदों पर निकाली भर्ती। बैंक में नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर यानी SCO के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.co.in/web/e-careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए 150 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग कोलकाता और हैदराबाद में हो सकती है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन पास करने के साथ ही आपके पास IIBF द्वारा दिए गए फोरेक्स सर्टिफिकेट होने चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर मुफ्त में करा सकेंगे ब्लड जांच। कहते हैं रक्तदान महादान होता है। ब्लड डोनेट करना न केवल जरूरतमंदों की जान बचा सकता है बल्कि ये हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। डॉक्टर्स की माने तो एक स्वस्थ व्यक्ति हर 2 महीने में भी अपने ब्लड डोनेट कर सकता है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। आज के दिन के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। इस नई पहल के तहत इमरजेंसी सिचुएशन में भी ब्लड डोनर तक पहुंचा जा सकेगा। इन तक पहुंचने के लिए देश के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनर रजिस्ट्री की जाएगी। इससे ब्लड डोनर का एक डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। इसी को देखते हुए आज के दिन सभी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट फ्री में करवाने की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है ताकि लोगों के ब्लड ग्रुप का पता चल सके और इमरजेंसी में उनसे संपर्क करके रक्तदान की व्यवस्था की जा सके। क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आधार अपडेट करवाने की बढ़ी अंतिम तारीख। हम सभी के पास आधार कार्ड मौजूद होगा। आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हमारा ये दस्तावेज अपडेटेड हो। यदि इसमें आपकी जानकारी अपडेटेड नहीं होगी तो आपको कई सरकारी से लेकर अन्य कामों में परेशानी हो सकती है। इसलिए जिनका भी आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा समय का हो चुका है उन्हें UIDAI ने अपडेट करवाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि 10 सालों में आपके आधार कार्ड के कुछ चीज़ों में बदलाव जैसे मोबाइल नंबर, घर का पता आदि में बदलाव आया हो, इसलिए अपडेट करवाना जरूरी है। पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाने की अंतिम तारीख 14 जून थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 सितंबर कर दिया गया है। यदि आप अंतिम समय सीमा तक अपने आधार को अपडेट नहीं करवाते हैं तो बाद में इसे अपडेट करवाने के लिए आपको शुल्क देना होगा। कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका। IPRD के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए सुनहरा मौका है। अलाभकारी समूह में वे बच्चे आएंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह से आते हों और उनके अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक ना हो। वहीं कमजोर वर्ग में वे बच्चे आते हैं जो किसी भी जाति या समुदाय से हों और उनके अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से अधिक ना हो। ये नामांकन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसका पोर्टल http://gyandeep-rte.bihar.gov.in है। बच्चों के नामांकन के लिए उनका जन्म 2 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच में होना चाहिए। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इसके हेल्पलाइन नंबर 0804709625 पर कॉल कर सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो 16 जून तक विद्यार्थी के पंजीकरण की अंतिम तारीख है। 18 से 19 जून तक ऑनलाइन स्कूल आवंटन किए जाएंगे। चयनित विद्यार्थियों का सत्यापन और विद्यालय में प्रवेश 20 से 30 जून के बीच में होगा। आज होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही कई सरकारी कामों को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है।
इसी कड़ी में चुनाव के बाद आज पहली बार नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाने की संभावना है। ये बैठक आज मुख्य सचिवालय के कैबिनेट कक्ष में शाम के 4:30 बजे देखने को मिल सकता है। इस कैबिनेट बैठक के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत और भी कई विभागों के मंत्री शामिल हो सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमरदीप झा के बारे में। ये पेशे से एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। इनका जन्म आज के दिन बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनके द्वारा दी गई प्रसिद्ध फिल्मों में देवदास, जिसमें ये काली की मां की भूमिका में नजर आई थी, थ्री इडियट्स जिसमें श्रीमती रस्तोगी, और वहीं धारावाहिक में सिंदूर तेरे नाम की में पत्र लेखा ये रिश्ता क्या कहलाता में है संकरी ताई का रोल निभाया था। सभी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में इनके सराहनीय किरदार रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल में बच्चों के नामांकन की इन्हें सौंपी जिम्मेवारी। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को आसान बनाने के लिए नए फैसले लिए हैं। दरअसल एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि नामांकन के क्रम में वे सुनिश्चित किया जाए कि कोई बच्चा विद्यालय से बाहर ना रहे। सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक की होगी। प्रत्येक नामांकित बच्चों के नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय से संबद्ध शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक की होगी। अब नेपाल पर्यटन पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों को मिलेगी राहत। नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको मालूम हो कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का मजबूत रिश्ता कहा जाता है। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के करेंसी लिमिट को बढ़ाने और वाहन चेकिंग को सुलभ व सरल बनाने सहित कई कामों में नेपाल सरकार अपने प्रयास शुरू कर चुकी है। इससे नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही भारतीय पर्यटकों को भी काफी आसानी होगी। नेपाल के कोसी प्रांत के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आगे आए। आपको बता दें कि ये सभी बातें भारत नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्र के इटहरी में आयोजित स्टर्न ट्रेवल मार्ट 2024 में हुई है। इस दौरान नेपाल, बिहार और भारत के कई राज्यों के संवाददाताओं ने भाग लिया था। बिहार के 26 सरकारी कर्मचारियों का हुआ तबादला। बिहार में 26 सरकारी कर्मचारियों के तबादले की खबर सामने आई है। इसमें वाहन चालक, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक और प्रधान लिपिक शामिल है। आपको बता दें कि ये तबादला लोकसभा चुनाव के बाद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गए थे, जिस वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के साथ ही आचार संहिता भी हट चुके हैं, जिससे एक बार फिर से तबादले का दौर शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाए गए के पाठक। इस वक्त शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार सरकार द्वारा इस पद से हटा दिया गया है और के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार सौंपा गया है। इस विभाग में भी के पाठक को अपर मुख्य सचिव का पद दिया गया है। के पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक बीपार्ड पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्वरत बने रहेंगे। वहीं 1991 बैच के आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इस दिन से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन। उद्यमी बनने के लिए इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आगामी महीने से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार की तरफ से दी गई है। आवेदन करने की तारीख 1 से 31 जुलाई तक रहेगी। इसमें युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए 50% तक की सब्सिडी के साथ दिए जाएंगे। आवेदन के लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 जून को राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन होने वाला है। इस दौरान बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और राज्य के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह के 10:30 बजे से नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल में होगा। इस दौरान पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, होटलर्स, रिवर क्रूज ऑपरेटर्स, ब्लॉगर्स और विलागर्स आदि के साथ पर्यटन मंत्री नितीश मिश्रा बैठक करेंगे। बैठक में सभी के बीच बिहार पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी साझा करेंगे। बिहार के जमुई जिले से खुदाई में मिली दुर्लभ गजलक्ष्मी की मूर्ति। मिट्टी खुदाई के दौरान बिहार के जमुई जिले के मेजकौर प्रखंड के कोपिन गांव में गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है। बताया जा रहा है कि गजलक्ष्मी की ये मूर्ति काफी प्राचीन है। ये मूर्ति तब मिली जब एक किसान के खेत में ईंट बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। ये गजलक्ष्मी की मूर्ति काफी दुर्लभ बताई जा रही है, जो कि पालकालीन है। फिलहाल ग्रामीणों ने इसे मंदिर में स्थापित कर दिया है। पुरातत्वविद सिख कुमार ने बताया कि ज्यादातर बैठी हुई मुद्रा में गजलक्ष्मी की मूर्तियां बिहार में देखने को मिलती रही हैं, लेकिन कोपिन में मिली ये मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। इसे स्थानक मुद्रा कहते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के इस कृषि यंत्र को मिला पेटेंट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा में क्रांति लाने वाला कृषि यंत्र लाया है, जिसे पेटेंट भी मिल चुका है। इसे यूके डिजाइन पेटेंट द्वारा सम्मानित किया गया है। ये यंत्र किसानों को अपना कौशल और ज्ञान बढ़ाने में मदद करेगा। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने बताया कि इस यंत्र से पौधों की सुरक्षा, कीटनाशक खुराक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरक प्रयोग जैसे कामों में मदद मिलेगी। इस डिवाइस को प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, किसान उत्पादक संगठन कार्यालय और परिसर व अन्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इस समय में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर हो सकता है फायदा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अच्छा खासा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको वीकेंड में जैसे सैटरडे और संडे की शॉपिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन कई लोगों की छुट्टी होती है और कई लोग अपने वीकेंड में ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप इस समय पर शॉपिंग करते हैं तो ऐसे दिन में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर काफी ट्रैफिक होता है और प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जिस वजह से प्रोडक्ट के प्राइस भी हाई हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप मंडे और ट्यूसडे जैसे दिन पर शॉपिंग कर सकते हैं। कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए साल के अंत तक बनेंगे 64 ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर। इस साल के अंत तक 64 ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर राज्य भर में शुरू कर दिए जाएंगे। इन टेस्टिंग सेंटरों पर कॉमर्शियल गाड़ियों की जांच की जाएगी। फिलहाल परिवहन विभाग द्वारा 6 स्टेशनों को लाइसेंस दिया गया है। ये स्टेशन भागलपुर, दरभंगा और पटना में है। आने वाले महीने से यहाँ 38 गाड़ियों की जांच की जाएगी, जिसमें से 17 गाड़ियों की जांच ऑटोमेटिक होगी और बाकी गाड़ियों की जांच मैनुअल होगी। गाड़ियों को उनका फिटनेस तभी मिलेगा जब जांच में उनकी रिपोर्ट सही आएगी। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के छात्र छात्राओं को पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में मिल रहा निःशुल्क प्रशिक्षण। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 36 जिलों में संचालित 38 पाक परीक्षण केंद्रों में निःशुल्क परीक्षण दिया जा रहा है। इसकी जानकारी IPID बिहार ने शेयर की है। इच्छुक छात्र http://state.bihar.gov.in/bc/bcwelfare/citizen-home.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। इस आवेदन के लिए जरूरी है कि आपकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। इसमें 60-60 लोगों के 2 बैच संचालित होंगे। 75% की अनुपस्थिति होने पर 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जल्द गर्मी से मिल सकती है राहत। बिहार में भीषण गर्मी के बीच लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल प्रदेश में 14 से 18 जून के बीच अधिकतर जगहों पर बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि आज भी बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोजपुर, अरवल, गया, सारण, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। समस्तीपुर में इस दिन लग रहा रोजगार मेला। समस्तीपुर जिले में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाने वाला है। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं तक के लिए 15 जून को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये जॉब कैंप नियोजन कार्यालय में लगेगा। इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों द्वारा www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस दौरान युवा अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर पहुंचे। चयनित होने वाले युवाओं को 12,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। फ्लिपकार्ट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। प्रदेश में नवादा साइबर अपराधियों का घर बनता जा रहा है। पुलिस ने यहां से 10 साइबर अपराधियों को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि ये सभी फ्लिपकार्ट के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करते थे। इस कार्रवाई के दौरान अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि जिले में बीते कुछ दिनों से साइबर थाना को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न साइबर अपराधियों के बारे में सूचना दी गई थी। इस दौरान कहा गया था कि जिले के विभिन्न स्थानों पर साइबर अपराधियों द्वारा अपराध किया जा रहा है, जिसके बाद योजना तैयार कर छापेमारी और फिर गिरफ्तारी की गई। रंगदारी मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत। पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर एक फर्नीचर कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप लगाकर केस दर्ज करवाए थे। पूर्णिया सिविल कोर्ट से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में गुरुवार को जमानत ली है। कोर्ट द्वारा उन्हें बेल भी दे दिया गया। अदालत से बाहर निकलते ही पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पहले कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख इस केस के बाद हुआ है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में व्यवसायी और केस दर्ज करने वाले थाना अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव को बेल मिलते ही उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। पार्टी से नव निर्वाचित सांसदों को हमेशा साथ रहने की चिराग ने दिलाई शपथ। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इनकी जीत सुनिश्चित होने के साथ ही इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। अब चिराग पासवान अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने पार्टी से सभी सांसदों को पार्टी के मूल एजेंडों के साथ आगे बढ़ने की शपथ दिलाई है। साथ ही हर परिस्थिति में पार्टी के साथ रहेंगे, इसकी भी सांसदों ने शपथ ली है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 भागों में बट गई थी। 2019 में उनकी पार्टी में 6 सांसद थे, लेकिन पार्टी के बंटवारे के बाद केवल चिराग ही एकमात्र सांसद के तौर पर अपनी पार्टी में बचे थे। हालांकि इस बार के चुनाव में चिराग पासवान को शानदार जीत मिली है और अब इनकी पार्टी में चिराग सहित 5 सांसद हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज में विराट कोहली का हो सकता है अच्छा प्रदर्शन। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 में पहुंच चुकी है। सुपर 8 का ये मुकाबला वेस्ट इंडीज में देखने को मिलेगा। अमेरिका में विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास तो नहीं रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज में वे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वेस्ट इंडीज में विराट ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 3 पारियों में उन्होंने 37.33 की औसत और 141.77 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए। आपको बता दें कि विराट ने अर्धशतक भी लगाए थे। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज में T20 इंटरनेशनल के दौरान सर्वाधिक स्कोर 59 रन बनाए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1916 में सर परशुराम भाऊ कॉलेज भारत के पुणे में नई पूना कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1947 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की प्रस्ताव स्वीकृति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा था। आज के दिन वर्ष 2012 में विशाखापत्तनम में भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट से कई लोग हादसे के शिकार हुए थे। आज के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। आज के दिन नीलकंठा सोमायाजी का जन्म हुआ था, ये गणितज्ञ थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे नीट अभ्यर्थी के अंक में किए गए बदलाव के इस दावे के बारे में। एक नीट के परीक्षार्थी ने 1 हफ्ते के अंदर उनके अंकों में बदलाव किए जाने का दावा किया था, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। OMR उत्तर पुस्तिकाएं मशीनों द्वारा जांच की जाती हैं, इसलिए अंकों में कोई भी बदलाव करना संभव नहीं है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह की खबरों की बिना सत्यता जाँच किए शेयर करने से बचें।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उस जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 7 जून, ऑप्शन बी है 9 जून, ऑप्शन सी है 8 जून, ऑप्शन डी है 10 जून। इसका सही उत्तर है 9 जून। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है दिलीप अवस्थी, ऑप्शन बी है संदीप जैन, ऑप्शन सी है राजप्रिय सिंह, ऑप्शन डी है सुबोध कुमार। इसका सही उत्तर है राजप्रिय सिंह। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए है दीक्षा लेखी, ऑप्शन बी है पूजा तोमर, ऑप्शन सी आरती बिस्ट, ऑप्शन डी है सान्या मेहता। इसका सही उत्तर है पूजा तोमर। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1927। इसका सही उत्तर है 1927। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है सारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विकास दास, बिट्टू कुमार, राकेश मिश्रा, अंशु कुमारी, सुकई पासवान, सादुल्ला पालवी, निराला कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजकिशोर महतो, छोटू राजा, ओम प्रकाश कुमार, जीवनाथ मंडल, कृष्णा मुरारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का क्या महत्व है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।